2021 जो सभी साल था इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये उतना अच्छा नहीं था। ये 2020 के मुकाबले भी कम प्रॉफिट करने वाला साल था क्योंकि यहाँ पर एक तो चिप शॉर्टेज की वजह से और सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से यहाँ पर ये गाड़ियाँ की डिमांड्स को कंपनी वाले फुलफिल नहीं कर पा रहे, जिस वजह से इस साल गाड़ियाँ काफ़ी कम बिक पाई। लॉन्च तो बहुत ही ज़्यादा हुई है 2021 में, काफ़ी सारी नई नई गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को 7 हॉटेस्ट कार या फिर कहूँ 7 धमाकेदार कार्स इन लॉन्च इन 2021 इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यानी कि 7 धमाकेदार गाड़ियाँ जो कि 2021 में इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो पहली गाड़ी है जो कि इंडियन मार्केट में 2021 में लॉन्च हुई है और उसने लॉन्च होते ही धमाका मचा दिया था, जिसका नाम ही है टाटा पंच, जिसने तो भाई धमाका ही कर दिया था। ये एक माइक्रो एसयूवी है टाटा मोटर्स की तरफ से और ये इंडिया की अभी तक की सेफेस्ट गाड़ी है क्योंकि इसने ग्लोबल एनसीएपी क्रेस्टर्स में 5 out of 5 स्टार की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर की है। जब से इस गाड़ी को रिवील किया है तब से लोग इस गाड़ी को खरीदने के लिए पागल हुए होते चले जा रहे हैं। इस गाड़ी ने लगभग सब कुछ सेटिस्फाइड कर दिया था, इस गाड़ी के लुक्स, फीचर्स, स्पेस, केबिन, इंजन सब कुछ इस गाड़ी का बढ़िया था, लेकिन एक बढ़िया नहीं था, वो था इस गाड़ी के प्राइजेस। लेकिन फिर भी ये गाड़ी धमाकेदार या फिर कहूँ एकदम सक्सेसफुल हो गई। तो इस गाड़ी की अगर एक्सटर्नल प्राइसेस की बात की जाए तो ये गाड़ी 5.49 लाख रुपीज़ से शुरू होती है और टॉप मॉडल लगभग 9.45 लाख रुपीज़ तक का जाता है। तो ये थोड़ी ओवर प्राइस ही लगेगी क्योंकि इसकी प्राइसिंग टाटा वालों ने थोड़ी महंगी की, पहले हाइप क्रिएट किया और अब थोड़ी महंगी कर दी। लेकिन फिर भी ये सिर्फ जब ये गाड़ी लॉन्च हुई तब 12 दिनों के ही अंदर इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा यूनिट्स बिक गई थी और ये टाटा का वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है इंडियन मार्केट के लिए। यही वजह है कि ये गाड़ी की डिमांड इतनी ज़्यादा है और टाटा ने इसे ओवर प्राइस लॉन्च किया फिर भी लोगों ने इसे पसंद किया, तो शायद अब टाटा भी ब्रांड वैल्यू में आगे बढ़ रहा है। तो ये तो थी फर्स्ट कार जो कि थी टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाली पंच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कार जो कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जानने वाले हो, जो कि महिंद्रा की तरफ से है और अभी आप समझ ही गए होंगे कौन सी होगी, XUV700O, जो कि लॉन्च होते ही इस गाड़ी ने तो इतना धमाका इस गाड़ी ने मचा दिया था कि इस गाड़ी की 65,000 से भी ज़्यादा अभी यूनिट्स 65,000 से भी ज़्यादा इस गाड़ी की अभी बुकिंग्स हो चुकी है और ये गाड़ी की प्राइजेज ही इतनी अच्छी रखी गई थी, इतनी महिंद्रा ने सोच समझ के रखी थी, जिससे लोग इस पर अट्रैक्ट होते ही चले गए और काफ़ी अच्छी तरीके से ये बिकने भी लगने हैं। सेमी कंडक्टर की कमी की वजह से इस गाड़ी की डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही, यानी कि इस गाड़ी में आपको 1 साल का वेटिंग पीरियड मिल रहा है और अभी बुक करोगे तो आपको 2023 में मिलेगी, इतनी ज़्यादा इस गाड़ी की डिमांड है। और यही वजह है कि ये वन ऑफ द मोस्ट धमाकेदार गाड़ी बन गई है इंडियन मार्केट के लिए। इसमें आपको काफ़ी सारे नए फीचर्स भी मिल रहे हैं जी, यही वजह है कि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा डिमांड में है। प्राइसेस की बात करें तो ये गाड़ी 12.49 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती है, 5 और 7 सीटर दोनों में ही आती है और इस इंजन भी इस गाड़ी में काफ़ी बढ़िया मिलता है जो कि है पेट्रोल का, जो कि 200 PS के पावर जनरेट करता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये गाड़ी कितनी एग्रेसिव प्राइसेस में लॉन्च की है, 5 और 7 सीटर दोनों वेरिएंट्स में मिल जाती है, दोनों सीटिंग ऑप्शंस में। तो ये तो थी सेकंड कार विच इज द XUV700O। नाउ द थर्ड कार जो कि इंडियन मार्केट में धमाके से लॉन्च हुई है वो है MG मोस्टर की एस्टर, जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च होते ही सिर्फ इस गाड़ी की 20 मिनट में, जब इस गाड़ी की बुकिंग्स को स्टार्ट किया था तो सिर्फ 20 मिनट में अंदर ये 2021 के लिए सोल्ड हो गए है। तो इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा यूनिट्स बिक गई थी कि इस गाड़ी ने तो भाई धमाका मचा दिया था, XUV जितना नहीं लेकिन धमाका तो इसने मचाया ही था। और अगर MG वालों की बात माने तो MG वाले कह रहे थे कि ये 5000 एस्टर 2021 में करीब करीब बेच देंगे, लेकिन 20 मिनट के अंदर ही इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा यूनिट्स इतनी ज़्यादा बुकिंग्स हो गई कि ये 2021 के लिए ही सोल्ड हो गई। तो कैन यू इमेजिन दैट। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इस गाड़ी की एग्रेसिव प्राइसेस एंड इतना वैल्यू फॉर मनी पैकेज किसी भी कंपनी ने नहीं दिया है जितना ये गाड़ी ने ऑफर किया है। बेस वेरिएंट में भी आपको LED हेडलाइट्स, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, ऑल एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर एसी वेंट्स जैसे काफ़ी सारे नए नए न्यू एज के फीचर्स आपको सिर्फ बेस वेरिएंट में मिल रहे हैं। और बेस वेरिएंट के प्राइसेस सुनकर आप चौंक जाएंगे क्योंकि ये क्रेटा सेल्टोस की सेगमेंट में है और इतने बेस वेरिएंट की प्राइसेस 9.78 लाख रुपीज़ है, यानी कि क्रेटा सेल्टोस से भी ये सस्ती है और ऊपर से फीचर्स भी बेस वेरिएंट में बहुत ही सारे हैं जो कि क्रेटा के सिर्फ सेकेंड टॉप मिड वेरिएंट में मिल पाते हैं। तो
हर कोई इसे पसंद करेगा ही, और हर कोई चाइनीज कंपनी यही करती है। फोन की बात करें या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, हर कोई चाइनीज कंपनी यही करती है। और ये तो थे इस गाड़ी के प्राइसिंग, जो कि 9.78 to 15.78 लाख रुपीस। और एक बात, ये इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको ADS लेवल 2 टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि इस और एक लेवल पर ले जाती है। फोर्थ गाड़ी है जो कि इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा धमाके से लॉन्च हुई थी 2021 में, वो है टाटा मोटर्स की दूसरी गाड़ी सफारी, जिसने तो भाई काफ़ी ज़्यादा धमाका मचा दिया था, क्योंकि इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आया। मुझे भी ये गाड़ी बहुत ही पसंद है, और यही वजह है कि इस गाड़ी की डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा है। इस गाड़ी में आपको 6 and 7 seater दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं, और इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस इसकी शान है। और ये इसमें थर्ड रो में भी काफ़ी बढ़िया स्पेस क्लेम की जाती है, उतनी नहीं लेकिन डिसेंटली स्पेस क्लेम की जाती है, और यही वजह है कि इस गाड़ी की डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा थी। और ये गाड़ी अभी भी थोड़ी सी डिमांड में है, हालांकि इसकी 1500 to 2000 यूनिट्स एवरेज मंथली सेल्स इसकी है। प्राइसेस की बात करें तो 14.99 to 23.19 लाख रुपीस तक की ये मिल जाती है, और समय समय पर टाटा ने इस पर चेंजेस भी किए, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और फीचर लोडेड हो गई। फिफ्थ गाड़ी है जो कि इंडियन मार्केट में धमाके से लॉन्च हुई थी, वो हुंडई की तरफ से है, जो कि हुंडई की एल्केजार। जी हाँ, हुंडई की एल्केजार जो कि सफारी की ही राइवल है, और सफारी के बाद इसे लॉन्च किया गया था। हुंडई की ये प्रीमियम 6 and 7 seater SUV है, जहाँ पर थर्ड रो में आपको लगभग ना के बराबर स्पेस मिलती है, सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं। तो 6 and 7 seater SUV थी हुंडई की तरफ से, जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स मिल रहे थे। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में तो पैनोरामिक सनरूफ जैसे काफ़ी सारे नए नए फीचर्स भी मिल रहे थे, और इस गाड़ी की प्राइसेस लोगों को सेटिस्फाइड नहीं लगी, लेकिन मुझे लगी, क्योंकि फीचर्स भी उसी हिसाब से हुंडई ने दिए हैं। प्राइसेस की बात करें तो 16.30 to 20.14 लाख रुपीस तक की आपको एल्केजार मिल जाती है। एल्केजार आपको काफ़ी प्रीमियम और एकदम डैशिंग कार है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। इसकी लुक्स बहुत ही प्रीमियम है, और ये कहीं ना कहीं सफारी से भी मुझे ज़्यादा प्रीमियम लगती है। तो यही वजह है कि हुंडई एल्केजार भी उतनी अच्छी बिक रही है अभी भी। तो ये तो थी फिफ्थ कार विच इज द लॉन्च इन 2021 धमाके से। नाउ सिक्स्थ गाड़ी है जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है, जिससे मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने धमाके से इतनी डिमांड होगी इस गाड़ी की, वो है स्कोडा मोटर्स की कुशाक, जिसने भाई लॉन्च होते ही धमाका मचा दिया था। हर कोई लोग इस गाड़ी के लुक्स के लिए पागल हो गए हैं। इस गाड़ी के लुक्स ही इस गाड़ी की शान है, क्योंकि इसमें किंग वाले लुक्स मिलते हैं। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्कोडा के जो सिग्नेचर लुक्स हैं ना, वो इसमें मिल रहे थे, जिसकी वजह से ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रही थी, और क्रेटा सेल्टोस से भी ज़्यादा ये मुझे प्रीमियम और काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि सेल्टोस जिससे थोड़ी बेटर लगती है मेरे सब्जेक्टिव लुक से। तो ये तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बिकी है, लेकिन कुछ कमियां हैं जो कि है इस गाड़ी की क्वालिटी में। इसमें आपको प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही बकवास मिलती है। क्या ही कहने, ओनर्स के खुद रिव्यूज़ अगर आप करोगे तो आप सोचोगे कि यार ये क्या है। एक तो स्कोडा इतनी अच्छी गाड़ी बनाता है, और दूसरी तरफ इतनी चीप क्वालिटी यूज़ करता है, चीप मटेरियल, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी डाउन जरूर हुई थी सेल्स में। लेकिन प्राइसेस की बात करें तो 10.79 to 17.99 लाख रुपीस इस गाड़ी की प्राइसेस है, और ये गाड़ी काफ़ी सेफ भी है, क्योंकि इस गाड़ी की स्कोडा की गाड़ी है तो ऑब्वियसली सेफ होगी। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा धमाके से लॉन्च हुई थी, विच इज़ द स्कोडा कुशाक। और अब आखिरी गाड़ी है जो कि इंडियन मार्केट में धमाके से तो लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन एकदम लॉन्च हुई थी और लोगों ने इस पर ध्यान भी दिया था, विच आई वुड लाइकली टू से टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक। तो कि ये गाड़ी इतनी धमाके से तो लॉन्च नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने इस गाड़ी को देखा था, क्योंकि इस गाड़ी ने जब ये गाड़ी लॉन्च हो रही थी तभी ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट ने इस गाड़ी को 5 out of 5 star की रेटिंग्स भी दी थी, जिस वजह से ये काफ़ी बढ़िया हो जाती है। और ये गाड़ी को मैं इस लिस्ट में क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि कि ये गाड़ी जब लॉन्च हुई तब लोगों ने इसे पसंद किया, और इस गाड़ी का नाम भी नेक्सोन की तरह आने लगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, और इसमें आपको 306 km की रेंज क्लेम की जाती है 11.99 लाख रुपीज़ से शुरू होकर के 13.14 लाख रुपीज़ तक की आपको ये मिल जाती है। और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिस वजह से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इस गाड़ी की डिमांड भी अब बढ़ गई है, इसीलिए मैंने इस लिस्ट में इस कार को इंक्लूड किया है। तो ये थी टॉप 7 हॉटेस्ट कार या फिर धमाकेदार कार्स लॉन्च्ड इन इंडिया 2021। इनमें से कौन सी गाड़ी आपको पसंद है कमेंट्स में बताना, और इनमें से कौन सी गाड़ी आप इस लिस्ट में देखना चाहेंगे वो भी कमेंट्स में बताना। इस लिस्ट में से कौन सी गाड़ी आपको चाहते हैं कि हाँ ये नहीं होनी चाहिए थी, क्या इस टॉपिक पर भी मैं और एक वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएगा। तो चलिए इस वीडियो में तो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।